क्या तुम लोगों को भी ऐसे बैनर बनाने हैं वो भी एक मिनट में अपने यूट्यूब के लिए? तो तुमने सही वीडियो पे क्लिक करा है, आज मैं बताने वाला हूँ। खाओ माँ कसम, तुम लोग एक मिनट में ऐसे बैनर कैसे बना सकते हो? लेकिन उससे पहले अगर अभी तक के तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना जल्दी से, और मेरी तरह वीडियो एडिट करने के लिए मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे नई नई जीएफएक्स पर लाता रहता हूँ। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। को तुम लोगों भाई सबसे पहले पिक्सआर्ट ओपन करके अपनी गूगल पे जाके सर्च करना है यूट्यूब बैनर साइज, और आपको ये वाली पिक्चर मिल जाएगी। ये वाली आपको पिक्सआर्ट में डाल लेनी है, फिर ऐड फोटो पे क्लिक करके आपका जो क्या बोलते हैं पिक्चर का बैकग्राउंड होगा, क्या बोलते हैं बैनर का, वो डाल लेना। मेरा तो ये है इसलिए मैं ये डाल रहा हूँ। इसको भाई फुल साइज कर लेना और इसकी ओपेसिटी भाई कम कर देना ताकि आपको बैनर साइज देखने में आसानी हो। ये देखो पीछे का दिखने लग गया ना भाई, ये जो बीच की लाइन है ना भाई, इसमें ही आपको अपनी चीज़ें रखनी है। सबसे पहले भाई मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, जैसे मेरा नाम है एमसी रोशी, लेकिन मैं एमसी रोशी नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा रोशी प्लेस, क्योंकि ज़्यादातर वही आजकल मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखो अभी मैंने इसको कर लिया, अभी इसको करके अभी अपना जो फॉन्ट होगा ना वो इसमें लगा के इसको छोटा कर देना है। भाई पहले मैं आपको ये ऐसे बता रहा हूँ कि मैनुअली आप कैसे बना सकते हो पिक्सआर्ट में यूट्यूब चैनल बनाए, फिर मैं आपको एक तरीका बताऊँगा जिससे आप एक मिनट में बना सकते हो। अभी देखो मैं अभी इसमें सब कलर वलर कर रहा हूँ, जैसे मेरा अपोजिट में जो कलर है ना वो कर रहा हूँ। अभी मेरा ये फॉन्ट लगा देता हूँ जो मैंने अभी डाउनलोड करा था, इसको अभी छोटा करके एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखो अभी यहाँ पे हो जाएगा एडजस्ट। इस साइड पे देखो अपोजिट में मेरा पर्पल है, और जहाँ मैं ये रख रहा हूँ वो ब्लू है, इसलिए मैं इधर वो रख रहा हूँ। अभी इधर टेक्स्ट भी लिख दे, प्लेस लिख देता हूँ मैं इसका अपोजिट, भाई इसका अपोजिट कर रहा हूँ मैं। जैसे इधर ब्लू है तो उधर मैंने पर्पल करा है, इधर पर्पल है तो इधर ब्लू करूँगा। अभी ब्लू ढूंढ लेते हैं, ब्लू कर दिया। देखो अभी ये भाई अभी इसके बीच में भाई मेरे को थोड़ा सा गैप वेप भी देना पड़ेगा, क्योंकि एक और चीज़ आएगी इधर, इधर वही वाला फॉन्ट लगा लेता हूँ जो मैंने पहले ही इसमें लगाया था। अभी इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा के हिसाब से, इसमें थोड़ी सी जगह छोड़नी है क्योंकि एक और चीज़ आएगी इसमें, इसको और छोटा कर लेते हैं। रोशिक को इसको साइड में कर दिया, और अभी अभी अपने एक फ़ोटो ऐड करनी है भाई, जो आपका चैनल होगा उसमें जो फ़ोटो लगी हुई होगी उसकी PNG आप लगा सकते हो या कुछ और भी लगा सकते हो, जिससे मैंने अभी PNG लगा रहा हूँ इसमें छोटा करके। ये देखो ये हो गया हमारा चैनल बैनर तैयार, और अभी आपका जो बैकग्राउंड होगा ना उसकी ओपेसिटी आपने जो कम करी थी उसका फुल कर देना, आपका ये हो गया बैनर तैयार। अभी इसको सही सेव कर लेना करके, और आपको अभी आसान वाला तरीका बताता हूँ मैं। भाई आपको अभी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, और आपको जो कमांड मिलेगा ना उसको कॉपी करके आपको इधर पेस्ट कर देना। ये भाई इस ऐप का नाम है बींग, आपको बींग ऐप डाउनलोड कर लेना, और उसमें इमेज जनरेटर पर जाके आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन में कमांड दिया उसको डाल के आपको जो उसमें कलर होगा ना भाई, उसमें कलर को जो आपको जो करना है वो ही कर लेना। अभी मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, अभी इसको लिख के आपको दिखाता हूँ मैंने कैसा बनाया चैनल बैनर एक मिनट में। अभी देखो भाई मैंने वो कमांड डाली और मेरी इमेज जनरेट हो रही है, देखना भाई इसका रिजल्ट देखना। आप इसमें देखो नीचे लिखा हुआ है ना, आप इसमें बहुत सारे आप अपने खुद से चेंजेस भी कर सकते हो। ये देखो कितना प्यारा बन गया कलर, देखो मैंने ग्रे डाला था, ये ग्रे के थीम पे बन गया। देखो इतने सारे बन गए, अभी आप लोग इसमें कलर चेंज करके अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, और आपको जो करना है कर लेना भाई। देखो ओ भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपके लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और आपको कमेंट में बताना कि कैसे लगे आपको ऐसे थंबनेल और ऐसी वीडियो देखने के लिए, और कमेंट में बता देना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड बाय।